इधर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं, मेरे भाई हैं उनके पास में आया हूँ और उनसे भी हम बातें करेंगे, पूछेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और आला नस्ल के जो घोड़े हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो बातें भी करेंगे और साथ साथ घोड़े भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। पहले तो माशाल्लाह ये आप नाज़रीन घोड़ी देखें, घोड़ी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत। इसका नाम है नदामा और इसका भाई मुझे बता रहे हैं कि इसका नाम नदामा। हाँ जी, इसका नाम जी नदामा है और ये प्योर जो ना विलायती घोड़ी है इंग्लिश। और इंग्लिश घोड़ी है, ये देसी नहीं है और प्योर जो है ना नदामा। और नदामा का जो हम आपको फेस भी दिखाते हैं और चारा वगैरह खाते हुए भी हम आपको दिखाते हैं कि ये माशाल्लाह देखिए आप खूबसूरत है। और इसकी हाइट वगैरह मेरे तकरीबन मेरे से भी ऊंची इसकी हाइट है। और पाँव भी आप इसके देखें तो पाँव भी बहुत खूबसूरत इसके पाँव हैं। और ये वाले आप देखें, पीछे वाले पाँव देखें आप, ये 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 जी पीछे वाला पाँव है, बिल्कुल साफ़ और गोल पाँव है। और इसकी जो पूछल है वो भी माशाल्लाह लंबी बिल्कुल। और जिस्म आप देखें इसका जी, ये देखें। तो ये है जी घोड़ी नदामा, जुल्फे वगैरह और चेहरा वगैरह। और इसके जो साथ ये खड़ी हुई है, ये भी घोड़ी आप देखें। और इसका जो कलर है वो उसके निस्बत तो थोड़ा सा ब्लैक है। और माशाल्लाह खूबसूरत घोड़ी है और ये भी विलायती घोड़ी है। पाँव इसके हाथ पैर जो है ना वो साफ़ है, लेकिन दूसरा जो राइट पाँव है वो थोड़ा सा ज़ख्मी है लेकिन बचा हुआ है। वो ऐसा भी होता है ना कि दौड़ते दौड़ते कोई रेशा वगैरह उतर आता है, तो उसकी वजह से फिर वो ज़ख़म को ठीक करने के लिए या तो वो सिलाई लगाते हैं या इस तरह का वो इलाज करते हैं, तो ये माशाल्लाह घोड़ी दूसरी है जी। भाई से पूछते हैं, पहले तो मैं आपको भाई का ज़रा तारफ़ करवा देता हूँ। ये मेरे साथ मेरे भाई हैं जी, आप अपना पहला भाई नाम बताइएगा। इमरान, मेरा इमरान जी भाई है मेरा। तो इधर ये घोड़ों की देखभाल करता है और साथ ही इसका क्वार्टर भी है और सारी जो रेख देख है वो जो इनके पास ही है घोड़ों के बारे में जो मालूमात है। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा ये इस घोड़ी का क्या नाम है? उसका नाम तो नदामा होगी आपने बता दिया, तो इस घोड़ी का क्या नाम? ये प्राइवेट घोड़ी आई हुई है, ये पोलो की घोड़ी है, पोलो खेलते हैं। अच्छा, ये इधर आई है मलाई के लिए, ये इधर बच्चा पैदा करेगी। अच्छा, इससे सिर्फ ब्लीड ले? हाँ, ब्लीड ले। ये जी इमरान भाई बता रहे हैं कि ये इस घोड़ी से ब्रीड हासिल करेंगे। और अच्छा, जो नदामा खड़ी हुई है ये वाली घोड़ी, ये भी ब्रीड के लिए खड़ी हुई है? ये ब्रीड के लिए, इनका बच्चा भी उधर खड़ा है। अच्छा, ये एक दफ़ा ब्रीड इसकी हो चुकी है? हाँ जी, हो। और इस घोड़ी की भी ब्रीड हो चुकी नहीं, है? नहीं, इसकी नहीं, ये पहली दफ़ा आई। ये पहली दफ़ा आई है जी। और इसके साथ ही नाज़रीन आप देखें, ये घोड़ी भी खड़ी हुई है, ये भी ब्रीड के लिए आई है। ये भी जी ब्रीड के लिए आई हुई है। और ये इनकी उम्र कितनी होगी आज जड़ी? हां जी, घोड़ी की उम्र होगी 5 साल होगी? नहीं जी, हां जी, बछेरी मेनू लगदी है। नहीं, 5 साल नहीं, इनकी 7-8 साल उम्र है। अच्छा, 2-2.5 साल है, तो साढ़े को बछेरे खड़े है, तो मैं दिखाना। अच्छा, यानी 5 साल दी है? हां जी, 5 साल, ये 5 साल दी जी। ते ए जड़ी है? ए भी इनदे ना, ए दोनों इको ही ने, ए दोनों इको ही ने। हां जी। तो नादरीन, ये तीन घोड़ियाँ इस वक्त जो है ना वो खड़ी हुई हैं और ये बच्चों, ये इनसे जो है ना वो बच्चे लेंगे। हाँ जी। और ये घोड़ी जो है ना ये सिर्फ बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पर खड़ी की हुई हैं और इसको पाला जाता है इधर। और माशाल्लाह वलैती। और ये भाई इमरान ये भी बता रहे हैं कि ये पोलो जो है ना, पोलो के लिए, ये पोलो के लिए दोनों, ये रेस के लिए। अच्छा, ये जो नदामा है ये रेस के लिए है। और ये वलैती इसका ब्लड है, खून इसका जी वलैती है। तो वलैतन ही जिम्मे कहते हैं पंजाबी, तो वह भी जी वलैतना ही ने, नहीं कि वह देसी ने?
कि वो मेरे ख्याल करास लगती वलैती देसी करास वलैता नहीं है वलैता नहीं। तो नाज़रीन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, खूबसूरत लगी, अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तो इजाज़त चाहता हूँ जी, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।